तो ये एसी चालू हो गया डायरेक्टली। एसी का कोई काम तो है नहीं अपने देखे? ठंड इतनी है कि एसी का कोई यूज ही नहीं है। काफ़ी अच्छा रूम। हम हल्दी घाटी से निकले थे शाम के 5-5:30 बजे और जोधपुर पहुँचे हम रात के 2 बजे। क्यों सर, शाम के 6 बजे निकले थे ना हल्दी घाटी से? हाँ, तो हम शाम के 6 बजे निकले थे हल्दी घाटी से और जोधपुर अभी पहुँचे हैं, क्योंकि कहीं कहीं 4-वे था, कहीं कहीं जो थे नेशनल हाईवे थे, बहुत ट्रैफिक था, बहुत ही अलग ही नया रास्ता था, ऐसा 4-वे अकेला नहीं था। तो हम 2 बजे पहुँचे और अभी हम जो है जोधपुर में ही अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन का धर्मशाला है वहाँ पे रुके हैं। और इसके पहले भी हम वृंदावन में भी रुके थे और काफ़ी अच्छा लगता है वो। और यानी और भी हम जैन धर्मशाला में भी रुके हैं, बाकी ये कैसे अपने ही समाज का है तो थोड़ा अच्छा भी है। क्लीन रूम है और ये एसी वाला रूम मिला है, पर एसी का इस वक्त कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बहुत ठंडी है। बाकी ऐसा डिसेंट सा रूम है। यहाँ विंडो से बाहर का सीन पता नहीं क्या दिखेगा, तो कल से हाँ, पर बहुत ठंडी है। हमने हमको दो रूम, मतलब दो रूम लेना पड़ा क्योंकि हम 4 लोग थे। एक रूम में वैसे 3 लोग आते हैं, या एक रूम में ये 2-2 लोग के हिसाब से, या 3 के लिए मैक्सिमम, पर हम 4 हैं तो हमको 2 रूम लेना पड़ा। तो मैं और श्रेयस सोच रहे कि हम यहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे मम्मी पापा को कर देंगे, पर मम्मी डर रही है। मम्मी बोल रही है कि नहीं, सब एक साथ सोएंगे क्योंकि मम्मी को डर लगता है। देखते हैं, कल निकलेंगे हम सबसे पहले जोधपुर घूमने के लिए। और मेरे को यहाँ के राजपूती जो पोशाक है वो भी लेना है, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, तो मैं वो भी लूँगी और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे बस। अब सोते हैं, बहुत थक गए। हमने जोधपुर में ये पनीर पकोड़े बहुत सुने थे, वो लेंगे। श्रेयस तो पनीर का लवर है, तो उसको तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो पनीर समझ के खा जाओ।